गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। आज हम रीड करेंगे चैप्टर 4, रक्त की कहानी। रक्त मीन्स खून की कहानी। खेलते समय आपका मित्र गिर जाए और उसे चोट लग जाए, खून निकलने लगे, तो आप सबसे पहले खून को रोकने की कोशिश ही क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शरीर से अधिक खून बह जाना खतरनाक हो सकता है। खून का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पार्ट में हम आज इसी विषय में जानेंगे। इसमें क्या है, निशा दादाजी, दादाजी जल्दी आइए, समीर भैया की उंगली कट गई है। दादाजी, अरे तुम्हारी उंगली से तो खून निकल रहा है, चाकू से काम करते इसमें ध्यान रखना चाहिए। निशा जाओ जल्दी से एक साफ़ रुमाल पानी में भिगो कर ले आओ। दादाजी ने गीला रुमाल समीर की उंगली पर कसकर लपेट दिया और उसे भीतर ले आए। खून बहना बंद हो गया। दादाजी ने उंगली पर दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। निशा चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। निशा, दादाजी अगर हमारा खून सारा खून निकल जाए तो क्या हम मर जाएंगे? दादाजी, हाँ यदि बहुत अधिक खून रक्त बह जाए तो मौत निश्चित है, क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि रक्त हमारे शरीर का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। इससे आगे का हम अगली वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।